विद्यालय के छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में करमाटांड पुलिस ने बारादहा टोला जिलिमटांड के नवीन प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक टाड़ाबहार निवासी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर मंगलवार को प्रथम जिला जज श्री दत्ता त्रिपाठी के न्यायालय में पेश किया। अवैध रूप से सगवान की लकड़ी का व्यापार करने के मामले में विभाग की टीम द्वारा नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोरीडी निवासी चार आरोपियों रफीक अंसारी, जाफर अंसारी, शमसुल मियां तथा नईम अंसारी को गिरफ्तार कर गुरुवार के एसीजीएम के न्यायालय में पेश किया। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के पर्वत बिहार के डीडीसी आवास के समीप लगभग 23 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। विद्यालय के छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में करमाटांड पुलिस ने बारादहा टोला जिलिमटांड के नवीन प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक टाड़ाबहार निवासी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर मंगलवार को प्रथम जिला जज श्री दत्ता त्रिपाठी के न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी शिक्षक अब्दुल हमीद को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा जेल भेज दिया गया। आरोपी शिक्षक पर विद्यालय के पढ़ने वाले छात्राओं के अभिभावक द्वारा करमाटांड थाना कांड संख्या 34/24 दर्ज कराया गया है। यह घटना 11 मार्च की बताई गई है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं के पजामा में हाथ डालकर गलत हरकत करता था तथा किसी को नहीं बताने की धमकी भी देता था। विद्यालय के छात्राओं द्वारा इस घटना की जानकारी अपने अभिभावक को दी गई। अभी अभिभावक के द्वारा थाना लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी विद्यालय के शिक्षक अब्दुल हमीद के विरुद्ध भादवी की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 की विरोध प्राथमिकी दर्ज। अवैध रूप से सगवान की लकड़ी का व्यापार करने के मामले में विभाग की टीम द्वारा नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोरीडी निवासी चार आरोपियों रफीक अंसारी, जाफर अंसारी, शमसुल मियां तथा नईम अंसारी को गिरफ्तार कर गुरुवार के एसीजीएम के न्यायालय में पेश किया, जहां से उक्त चारों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि लोगों द्वारा जंगल से अवैध लकड़ी काट कर बिक्री के लिए अन्य जगह पर ले जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मोहड़ा मोड़ के पास से सुबह 6 बजे AH21D0293 पर लदा 15 बोटा सगवान की लकड़ी के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वही जब्त पिकअप वाहन को भी वन विभाग की टीम ने वन विभाग परिसर के जब्त कर रख लिया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के पर्वत बिहार के डीडीसी आवास के समीप लगभग 23 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। मौके पर विधायक ने कहा कि अस्पताल की आवश्यकता पूरे जामताड़ा वासियों को थी। कहा कि मैं पहले एक डॉक्टर हूं, फिर विधायक, इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर मैं हमेशा गंभीर रहता हूं। इसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा अस्पताल मैं जामताड़ा वासियों को दे रहा हूं। क्रिटिकल केयर अस्पताल सामान्य अस्पतालों से अलग होगा। 50 बेड के ब्लॉक में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, वेंटिलेटर, बीपी प्लस मॉनिटर समेत जीवन रक्षक उपकरण मशीनें लगी होंगी। यहां पर मरीजों को गहन चिकित्सा सेवा मिलेगी। कहा कि इस अस्पताल में 24 घंटे विशेष चिकित्सक व कर्मचारियों की चुनौती रहेगी। कोविड के समय क्रिटिकल केयर की सेवा कोई मरीजों को नहीं मिली थी। कर सकते हैं, यहां पे एडमिट होंगे और उसको हम लोग हाईटेक इलाज हम लोग करने का काम करेंगे। और हमें लगता है कि जामताड़ा जिला के लिए बहुत बड़ा सौगात है क्रिटिकल हॉस्पिटल। ये केवल जामताड़ा का ही नहीं बल्कि नाला, कुंडहित, फतेहपुर, नारायणपुर, महीजाम, अब कोई भी मामला, छोटी छोटी बीमारी होती है तुरंत हम रेफर कर देते हैं, या तो बंगाल कर देते हैं या तो धनबाद कर देते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त डॉक्टर भी होंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे। तो हमें लगता है कि हमारा जामताड़ा विकास के पटरी पर बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जामताड़ा को ट्रामा सेंटर मैं बहुत जल्द सौगात के रूप में देने जा रहा हूँ। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती है, बच्चों की जान चली जाती है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है। तो इसको देखते हुए कुछ भी घटनाएँ घटी तुरंत हम लोग गाड़ी की और सदर हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ से रेफर कर देते, इस बीच जान चली जाती थी। तो ट्रामा सेंटर नहीं था, तो ट्रामा सेंटर भी हमने मंजूर करा दिया है। तो हमारी सरकार है, आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन की सरकार, ये विकास के पैमाने पर हमको लगता है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हेमंत जी का जो अधूरा सपना है इस तेज़ी से वो पूरा कर रहे हैं। कुछ जामताड़ा को लगता है कि एक उपहार के तौर पर मुझ में जो विश्वास जता रहे हैं चंपई सोरेन जी, वो मेरे लिए गर्व की बात है। और आने वाले दिनों में देखिएगा और कई हम योजनाएं हम जामताड़ा वासियों को देंगे।